हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जयपुर द पिंक सिटी चैनल। आजकल के जमाने में हेल्थ से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर किसी को कोई ना कोई कमजोरी होती है, वीकनेस होती है और हमारे शरीर में थकान बनी रहती है, क्योंकि मिलावटी चीजें और सही खान पान नहीं होने के कारण शरीर को पूरा पोषण और पूरी ताकत नहीं मिलती। इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत स्पेशल और बहुत डिलीशियस रेसिपी, जो पूरे शरीर को नए जोश और नई स्फूर्ति से भर देगी और आपको गजब की एनर्जी देगी। तो चलिए, इस सर्दी में हम जल्दी से ये एनर्जी से भरपूर हलवा बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ आधा कप खसखस के दाने ले रखे हैं। वजन के हिसाब से देखें तो ये 50 ग्राम है। इनको पोस्ता दाना और पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। इनको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है और अब ये हलवे में यूज करने के लिए तैयार है। अब मैं इसका पानी निकाल कर इनको मिक्सी में थोड़े दूध के साथ पीस कर इसका पेस्ट बना रही हूँ, ताकि मैं इसका हलवा बना सकूँ। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हम दाल को पीस कर उसका पेस्ट बना लेते हैं और फिर उस पेस्ट से हलवा तैयार करते हैं। ये देखिए, खसखस का स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। इसको मैं एक बर्तन में निकाल कर अलग रख रही हूँ। हलवे के लिए मेरे पास अगला इंग्रेडिएंट है 50 ग्राम बादाम। इनको मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, इसलिए अब ये अच्छी तरह फूल गए हैं और अब मैं इनका छिलका उतार रही हूँ। ये देखिए, सारे बादाम का छिलका उतर गया है। ये छिले हुए बादाम भी मैं मिक्सी में डालकर थोड़े दूध के साथ पीस रही हूँ। मैं इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाने वाली हूँ। ये देखिए, बादाम का स्मूथ पेस्ट भी बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और इसके लिए मैं कढ़ाई में 2 कप देसी घी यानी करीब 150 ग्राम घी गर्म कर रही हूँ। ये घी हल्का गर्म हो गया है, इसलिए मैं इसमें खसखस और ये बादाम का पेस्ट डाल रही हूँ, ताकि मैं इस पेस्ट को घी में अच्छी तरह भून सकूँ। यहाँ ये ध्यान रखना है कि घी तेज गर्म नहीं करना है, वरना खसखस का पेस्ट एकदम से थोड़ा सा जल सकता है। बस अब इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। खसखस में ऑयल कंटेंट नहीं होता है, इसलिए इसको भूनते टाइम लगातार चलाना जरूरी होता है, वरना ये कढ़ाई से चिपकने लगता है। ऑयल कंटेंट नहीं होने के कारण ये चिपकने में थोड़ा टाइम भी लेता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। ये हमारी स्किन के लिए और हेयर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और खाना पचाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, यानी इसको हेल्थ का खजाना कहना गलत नहीं होगा। और बादाम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है ब्रेन हेल्थ में। अगर आपको सिर की कमजोरी की वजह से सर दर्द या फिर आपको मेमोरी पावर बढ़ानी है, तो बादाम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और घी तो सर्दियों में खाना ही चाहिए, खासतौर पर बच्चों को तो जरूर ही खाना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग या ब्रेन फैट यानी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसलिए अच्छी मेमोरी पावर के लिए घी जरूर खाना चाहिए। इसलिए खसखस, बादाम और घी से बना ये हलवा अगर आप दवाई की तरह भी कुछ दिन तक डेली खा लेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ के लिए इतने सारे फायदे मिलेंगे कि आपकी कायापलट ही हो जाएगी। देखिए, मीडियम फ्लेम पर इसको भूनते हुए मुझे 30 मिनट हो गए हैं और इसका जितना भी दूध था वो सूख चुका है, इसलिए अब ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कि एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसमें 5 चम्मच नारियल का चूरा मिक्स कर रही हूँ, यानी आप वजन के हिसाब से लेना चाहें तो ये करीब 25 ग्राम है। नारियल का चूरा डालने के बाद इसे मैं 2-3 मिनट और भून रही हूँ। नारियल भी दिमाग के लिए, सर दर्द के लिए और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कमाल की चीज है। अब पारी है इस हलवे में दूध डालने की, तो मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ, जो करीब 200 मिलीलीटर है। जब आप ये हलवा बनाएंगे तब देखेंगे कि दूध डालते ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और आपका मन करने लगेगा कि बस ये झटपट तैयार हो जाए और आप इसे तुरंत खा लें। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए 20 मिनट और पकने दीजिए। अब मैं इसमें 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप इसको अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डालकर इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। वैसे तो अभी हलवा तैयार है, लेकिन अगर इसको और ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा पौष्टिक बनाना है, तो इसमें हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी किशमिश और 1 मुट्ठी पिस्ता डाल रही हूँ, क्योंकि जब सर्दियों में अच्छी हेल्थ पाने के लिए हलवा बना रहे हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो इस हलवे के बहाने ही वो ये सारे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में हमारा सेहत से भरपूर, एनर्जी से भरपूर और मिनरल्स और विटामिन से भरपूर हलवा बिल्कुल तैयार है।
एकदम सही से ये बन चुका है, तो बस जल्दी से इसे सर्व करते हैं। इस तरह से ही हमारा खसखस का हलवा बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म या ठंडा होने के बाद जैसा भी चाहो खा सकते हो और इसके फायदे उठा सकते हो। ये स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर घर के बड़े बुजुर्गों तक सबके लिए बहुत फायदेमंद है। दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए और मेमोरी बढ़ाने के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है ये हलवा। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।